हिंद महासागर में दोबारा ड्रैगन ने उठाया खतरनाक कदम। इस साजिश का तोड़ कैसे निकालेगा भारत? अचानक सन की ड्रैगन ने उठाए खतरनाक कदम। इस तरह से फिर भारत को दहलाने की साजिश में चीन। किस बात पर सन का चीन? इस बार भारत, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों पर गिरने वाला है गाज। चीन सफल हुआ तो इस तरह आ जाएगी तबाही। फिर एक बार चीन के चंगुल में फंसा लंका। चीन के हाथों में चली जाएगी भारत की सारी ताकत। दोस्तों, जब किसी पर भीगे हुए जूते से वार किया जाता है तो पड़ोस में बैठे व्यक्ति पर भी पानी के छींटे पहुंच ही जाते हैं। भीगे जूतों से वार करने का फायदा ये भी होता है कि एक तीर से कई निशाने सज जाते हैं, मतलब अनजान में ही सही, लेकिन दूसरा काम भी हो जाता है। वैसे इसको छोड़िए, अब काम की बात पर आते हैं। हिंद महासागर वो ताज है जिसके सर पर सजेगा वही राजा बनेगा। अब इसके लिए चीन ने दौड़ना शुरू कर दिया है। चीन और भारत दो ऐसे देश हैं जिनकी आबादी दुनिया भर की जनसंख्या की तकरीबन 40% है। इन दोनों के बीच रिश्तों का असर तकरीबन 3 अरब से ज्यादा लोगों पर सीधा पड़ता है। दुनिया के अन्य देश भी इससे प्रभावित होते हैं। अगर ये दो देश पक्के दोस्त हो जाएं तो इनकी अहम ताकत बन सकते हैं जो दुनिया के लिए परिणामी हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? दोनों देशों के बीच संबंधों पर नजर डालें तो ऐसा मुमकिन नहीं दिखता, खासकर तब जब डोकलाम गलवान के बाद तवांग में चीनी आर्मी की ओर से इस तरह की हरकत की जाए। चीन ने खिसियाकर ऐसे कदम उठाने शुरू किए हैं। वो अब इस देश को ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये भारत के लिए खतरा है। भारत चीन में अब दोस्ती मुमकिन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ भारत शांति के बारे में ही सोचता रहे और चीन इसी बात का फायदा उठाकर बार बार भारत को परेशान करता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे, चीन ने फिर एक धमाका कर दिया है। भारत को नीचा दिखाने के लिए फिर चीन ने एक गिरी हुई हरकत कर दी है। आपको बता दें कि चीन लगातार ही भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में चीन अब श्रीलंका की जमीन इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। जानकारी सामने आई है कि चीन श्रीलंका में एक रडार स्थापित करना चाहता है। इस रडार की वजह से चीन ना सिर्फ भारत की गतिविधियों पर बल्कि वो ब्रिटेन और यूके की गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। चीन ये रडार श्रीलंका के डोंडरा बे के जंगली इलाके में सेटअप करने की सोच रहा है। इस रडार के सेटअप के बाद चीन इंडियन ओशन में भारत की सभी सैन्य गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका की ओर से की जाने वाली सैन्य गतिविधियों पर भी चीन की नजर रहेगी। अगर ऐसा हुआ तब तो ये चीन अकेले ही सब पर भारी पड़ेगा। इस रडार की मदद से चीन तमिलनाडु के कुदानकुल्लम और कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी गतिविधियों का पता लगा सकेगा। डोंडरा बे श्रीलंका के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और ये इस देश के लिए ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शहर एक समय में इस आइलैंड देश की राजधानी हुआ करता था। श्रीलंका में इस रडार के सेटअप में चीन की एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च ऑफ द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस भी शामिल हो सकती है। ये भारत के सामरिक हितों के लिए हानिकारक होगा। वैसे तो चीन की सोच शुरू से ही यही रही कि उसे भारत को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन यह पहला कदम भारत के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसकी वजह है कि रडार की मदद से अंडमान और निकोबार से जाने वाले भारतीय नौसेना के जहाजों को भी चीन ट्रैक कर सकता है। चीन इस छोर से हिंद महासागर में न केवल भारत की हलचल पर बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर भी नजर रख सकेगा। भारत पहले से ही श्रीलंका में चीनी गतिविधियों को लेकर चिंतित रहा है। श्रीलंका दक्षिणी हिंद महासागर में चीन की महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत चीन की साजिश का शिकार होता रहता है। वहीं आर्थिक तंगी में फंसे श्रीलंका ने चीन से भारी कर्ज ले रखा है, इसलिए वो चीन की इन मांगों को अस्वीकार भी नहीं कर सकता। जानकार मानते हैं कि चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया। द्वीप देश की विदेश नीति में भी चीन का दखल देखने को मिल रहा है। चीन श्रीलंका के बड़े संस्थानों में अपना प्रभाव रखता है। हम्बनटोटा बंदरगाह भारत के लिए चिंता का विषय तो है ही। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर ले रखा है और पिछले साल चीनी सेना के एक जासूसी जहाज वहां पर रुका भी था। चीनी जासूसी जहाज युआंगवान 5 हम्बनटोटा बंदरगाह पर 6 दिन तक रुका। कहा गया कि ये जहाज ईंधन भरने और अन्य दूसरी तरह की आपूर्ति के लिए रुका था। भारत ने आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताते हुए श्रीलंका से कहा था कि वो चीनी जहाज को वहां रुकने की अनुमति ना दे, लेकिन श्रीलंका चीन के दबाव के आगे झुक गया। चीन का जहाज सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग प्रणाली से लैस था और उसे खोजबीन और पड़ताल में महारत हासिल थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि जहाज को इस शर्त पर अनुमति दी गई कि वो श्रीलंका के समुद्र में शोध नहीं करेगा और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को चालू रखेगा। हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने $1.12 अरब में 99 सालों की लीज पर लिया है और साल 2017 से वो इसे चला रहा है।
इस बंदरगाह को बनाने के लिए श्रीलंका ने चीन के एक फर्म को 1.4 अरब का भुगतान किया है। ये पैसा भी चीनी कर से आया था। भारत इसे लेकर चिंतित इसलिए भी रहता है क्योंकि दक्षिणी राज्यों से इस पोर्ट की दूरी महज कुछ किलोमीटर ही है। भारत हमेशा से ये चिंता जाहिर करता रहा है कि ये बंदरगाह चीन का सैन्य अड्डा बन सकता है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को लेकर हमेशा से आशंकित रहा है। रडार बेस बनाने की खबर भारत के लिए चिंता का विषय होने वाला है। श्रीलंका स्थित एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि समय समय पर श्रीलंकाई सरकारें गुटनिरपेक्षता, तटस्थता और इंडिया फर्स्ट जैसी अपनी विदेश नीति के रुख के बारे में बयानबाजी करती रही है। इसके अलावा श्रीलंका कहता रहा कि वो महाशक्तियों के सत्ता संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। हालांकि चीन द्वारा रडार बेस स्थापित करने की योजना की खबर ने श्रीलंका की विदेश नीति के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन भारत से लगे अपने पड़ोसी देशों के आसपास अलग अलग बेस के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन भारत के चारों ओर एक घेरा बना रहा है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स के नाम से जाना जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित चीनी इरादों का एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी है। इसके जरिए चीनी सेना और वाणिज्यिक सुविधाओं का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स चीन के सूडान बंदरगाह तक फैला हुआ है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स के जरिए ही चीन ने बांग्लादेश के कंटेनर सुविधा, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को स्थापित किया। चीन अपने नौसैनिक ठिकानों के जरिए भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के बंदरगाह परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है। अब दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जिस तरह चीन भारत की तरफ आक्रामक रवैया अपना रहा है और भारत भी कड़े जवाब देता चला जा रहा है, उस तरह भारत चीन के ये विवाद कब शांत होंगे। बात तो साफ है कि चीन की औकात तो अब ठिकाने लगानी ही लगानी है। जब तक भारत अक्साई चीन को अपने कब्जे में नहीं ले लेता, तब तक शांत नहीं बैठ सकता। लेकिन समय समय पर चीन की ये बुजदिली हम सबको ये आईना दिखा देती है कि भारत के जवान भारत की ढाल हैं और चीन कभी इस ढाल को तोड़ तो क्या छू भी नहीं पाएगा। ऐसे में चीन के ये कदम कहाँ तक इस देश की बुजदिली दिखाते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।